नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 29 सितंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के सभी एफिलिएटेड कॉलेज को जोड़ेगी सरकार। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज होगा मतदान। बिहार की 2 सीटों पर इस दिन होगा उपचुनाव। बिहार के छात्र सेंटर परीक्षा के लिए हो जाए तैयार। जदयू ने की राष्ट्रीय पदाधिकारी के नाम की घोषणा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के युवाओं की लगेगी अब नौकरी। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। बिहार के विभिन्न जिलों में जल्द ही एक बार फिर से रोजगार मेले की शुरुआत होने वाली है। इसको लेकर बिहार में तैयारियां भी शुरू हो गई है, जिसके तहत जिला और प्रमंडल स्तर पर रोजगार मेला लगाने के लिए श्रम संसाधन विभाग ने गंभीरता से मंथन शुरू कर दिया है। अभी जिला प्रशासन की अनुमति से एक दिवसीय जॉब के कामों का आयोजन शुरू हुआ है। कोरोना के कारण पिछले साल से ही नियोजन और रोजगार मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा है। इसके कारण श्रम विभाग ऑनलाइन जॉब कैंप का आयोजन कर रहा है, लेकिन इससे अधिक बेरोजगार को रोजगार देने में परेशानी हो रही थी। यही कारण है कि अब विभाग चुनिंदा कंपनियों और बेरोजगारों के बीच समन्वय बनाकर ऑनलाइन रोजगार दिला रहा है, जिससे काफी लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जागी है। बिहार की 2 सीटों पर इस दिन होगा उपचुनाव। बिहार की 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा पहले ही की जा चुकी थी। हालांकि यह चुनाव किस दिन होंगे इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई थी, लेकिन बीते दिन चुनाव आयोग ने उपचुनाव को लेकर सारी स्थिति साफ कर दी है। साथ ही तारीख की घोषणा भी कर दी है, जिसके तहत बिहार के कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को मतदान का आयोजन होने वाला है। हालांकि यह तारीख सिर्फ बिहार के लिए ही खास नहीं है, बल्कि कई अन्य राज्यों में भी इस दिन चुनाव का आयोजन होने वाला है, क्योंकि इसी दिन विभिन्न कारणों से खाली हुई 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का आयोजन होगा, जिसकी अधिसूचना 1 अक्टूबर को जारी होने वाली है। जिसके बाद अब नामांकन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। वहीं नामांकन की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर को तय की गई है। बिहार के सभी इंटर स्कूलों में मिलेगी अब बड़ी सुविधा। बिहार सरकार छात्रों की शिक्षा के मुद्दे पर अक्सर विवादों में घिरी रही है। यही कारण है कि सरकार भी समय समय पर यही कोशिश करती है कि किसी भी तरह सरकार स्कूल में छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो। इसी कड़ी में अब बिहार सरकार की तरफ से बिहार के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए एक बड़ा काम करने जा रही है, जिसके तहत बिहार के सभी +2 विद्यालयों में विशिष्ट प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना की तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव को देखें तो प्रत्येक प्रयोगशाला पर 1,20,000 रुपए खर्च अनुमानित है। हालांकि ये नियम पटना जिले के चुनिंदा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चालू शैक्षणिक सत्र में लागू होगी। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज होगा मतदान। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं उनकी किस्मत का फैसला आज वोटिंग के जरिए होगा। आज यानी बुधवार को दूसरे चरण में 34 जिलों के 48 प्रखंडों में वोटिंग की प्रक्रिया होगी। इसके लिए सारी तैयारी पूरी की जा चुकी है। बताते चले कि इस चरण में पटना जिले के भी पालीगंज प्रखंड में वोटिंग होगी। इस चरण में कुल 76,279 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, जिसके तहत 36,111 पुरुष उम्मीदवार मैदान में है और 40,169 महिला प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। कुल 6 पदों के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। इनमें 4 पद ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य के पद के लिए ईवीएम से, जबकि पंच और सरपंच के पद के लिए बैलेट बॉक्स से चुनाव कराए जाएंगे। गुलाब तूफान का अभी दिखेगा बिहार में भी असर। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान गुलाब का असर बिहार में भी तेज शाम को देखने को मिला, जिसकी वजह से कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश भी देखने को मिली। वहीं उमस भरी गर्मी से भी लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 48 घंटे के दौरान कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक मानसूनी ट्रफ लाइन जैसलमेर से छत्तीसगढ़ विशाखापट्टनम होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ गुजर रही है, जिस कारण से बिहार के पूर्वी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पर्यटन के लिहाज से बिहार के मुंगेर जिले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मुंगेर में ऐतिहासिक किला है। यहाँ पर सीताकुंड नामक प्रमुख कुंड भी है। मुंगेर से 6 किलोमीटर पूर्व में सीताकुंड मुंगेर आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। इस कुंड का नाम पुरुषोत्तम राम की धर्मपत्नी सीता के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि जब राम सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाकर लाए थे तो उनको अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा यहीं पर देनी पड़ी थी। धर्मशास्त्रों के अनुसार अग्नि परीक्षा के बाद सीता माता ने जिस कुंड में स्नान किया था वो यही कुंड है। इसीलिए अब आप जब भी मुंगेर जाएं तो इन इन स्थानों का भ्रमण जरूर करें। बिहार के सभी एफिलिएटेड कॉलेज को जोड़ेगी सरकार।
बिहार के सभी एफिलिएटेड कॉलेज को एक साथ जोड़ने की तैयारी सरकार कर रही है। इसके लिए सरकार मोबाइल एप्लीकेशन का सहारा लेने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार का यह फैसला 229 एफिलिएटेड कॉलेज को मिलने वाले अनुदान राशि को लेकर आया है। जानकारों का कहना है कि शिक्षा विभाग इस बात को लेकर काफी सख्त है कि सरकार की तरफ से दी जा रही राशि कहीं और तो इस्तेमाल नहीं की जा रही। यही कारण है कि नियमों को सख्त कर दिया गया है। इसको लेकर जल्द ही एक ऐप भी विकसित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इन सभी मुद्दों पर ऐप से निगरानी होगी। ऐप से सभी संबंधित डिग्री कॉलेज की वेबसाइट जुड़ेंगी। वेतन आदि की स्पष्ट विवरणी वेबसाइट पर अपलोड होगी, जिसके तहत ही अब विश्वविद्यालय को जोड़ने का काम 30 अक्टूबर तक किया जाएगा। नेशनल तैराकी में गोल्ड जीतकर इजिप्ट जा सकता है बिहार का आजाद। बिहारी किसी भी क्षेत्र में हो, बिहार का नाम जरूर रोशन करते हैं। ऐसा ही एक वाक्य बीते दिन एक बार फिर से देखने को मिला, जब तैराकी के राष्ट्रीय मुकाबले में भागलपुर के लाल गुलाम नबी आजाद ने अपने नाम गोल्ड मेडल दर्ज किया। आपको बता दें, लाल गुलाम नबी आजाद मूल रूप से सुल्तानगंज प्रखंड के घोरघट के रहने वाले हैं। वहीं वो इजिप्ट में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें बैंगलोर में होने वाले एक प्रतियोगिता में अपना परचम लहराना होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, हरियाणा में आयोजित फिन तैराकी प्रतियोगिता में 20 राज्यों के 200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें बिहार की तरफ से गुलाम नबी ने भाग लिया था। बिहार बोर्ड इंटर में नहीं आया नाम तो ना हो परेशान। बिहार बोर्ड इंटर में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में हाल ही में तीसरी चयन सूची जारी की गई है। इसी बीच अब बिहार बोर्ड इंटर में जिन छात्रों का नामांकन हो गया है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन छात्रों का नामांकन नहीं हुआ है और जो नाम लिस्ट में नहीं आए हैं, ऐसे छात्रों के लिए अब बोर्ड ने नया विकल्प पेश किया है, जिसके तहत बिहार बोर्ड ने कहा है कि जिनका नाम थर्ड मेरिट लिस्ट में नहीं है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तृतीय मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं होने वाले स्टूडेंट तृतीय सूची के आधार पर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करें। इसको लेकर बीएसईबी की तरफ से जल्द ही स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वाल्मीकि नगर का होगा कायाकल्प। बिहार को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने की योजना के साथ बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। यही कारण है कि समय समय पर बिहार के विभिन्न पर्यटन स्थलों को लेकर सरकार कई ऐलान कर चुकी है। इसी कड़ी में अब सरकार की पहल पर वाल्मीकि नगर का कायाकल्प करने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत स्थान को सजाने की कवायद भी तेज हो गई है। जल्द ही यहां कन्वेंशन हॉल भी बनेगा, जिसमें एक साथ 2500 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा वाल्मीकि नगर में हवाई अड्डे को शुरू करने की कवायद भी की जा रही है, ताकि हवाई मार्ग से इसे जोड़ा जा सके। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि धार्मिक संस्कृति को समेटे हुए वाल्मीकि नगर टूरिज्म का बड़ा केंद्र है। यूपी चुनाव के लिए जदयू ने कसी कमर, इन्हें मिली जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में भी सियासत तेज है। बिहार की राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएगी। ऐसे में बिहार सरकार में साथी जदयू उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी में है। ऐसे में पार्टी ने आरसीपी सिंह को पूरी तरह से अधिकृत किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर आरसीपी सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी ने यूपी में गठबंधन का आधार क्या होगा, कितनी सीटें जदयू को मिलेंगी, इन सारे विषयों पर आरसीपी सिंह भाजपा नेताओं से बातचीत करेंगे। बिहार के छात्र सेंटअप परीक्षा के लिए हो जाए तैयार। अगले साल बिहार बोर्ड की तरफ से इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए अहम सूचना। बिहार बोर्ड ने अगले साल होने वाले परीक्षा के सेंटअप परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है, जिसके तहत अब यह परीक्षा 19 अक्टूबर से होने वाली है। इसको लेकर बोर्ड ने पूरा स्केड्यूल जारी कर दिया है, साथ ही सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी है, जिसके तहत अब छात्रों को सेंटअप की सैद्धांतिक और प्रायोगिक विषयों की परीक्षा में शामिल होने के लिए बोर्ड की तरफ से अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में प्रश्न पत्र भेजा जाएगा। परीक्षा का शेड्यूल बोर्ड जल्द जारी कर देगा। भारतीय रेलवे के साथ हुए करार को मढौरा रेलवे कारखाने ने किया पूरा। भारतीय रेलवे से हुए करार को छपरा के मढौरा रेल कारखाने ने पूरा कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसके तहत मढौरा रेल इंजन फैक्ट्री ने 300वें रेल इंजन का निर्माण पूरा कर दिया। इस दौरान 300वें इंजन को सारण के डीएम नीलेश रामचंद्र देवरे ने हरी झंडी दिखाकर फैक्ट्री से रवाना किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय रेलवे से हुए करार के मुताबिक मढौरा वेबटेक रेल इंजन फैक्ट्री को 10 साल में 4500 हॉर्स पावर और 6000 हॉर्स पावर की कुल 1000 डीजल रेल इंजन बनाकर देनी है। वहीं कंपनी ने अपने लक्ष्य के अनुरूप वर्ष 100 इंजन का निर्माण कर अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया है। आज जोर शोर से मनाया जाएगा जीतिया का त्योहार। आज जीतिया का त्योहार बिहार समेत कई राज्यों में धूमधाम से मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में दर्जनों व्रत त्योहार होते हैं। इनमें से अगर कहा जाए कि सबसे कठिन त्योहार कौन है तो
अपने बिहार के ही कुछ बेहद खास महत्व रखने वाले व्रतों के नाम आते हैं। अश्विन महीने में आने वाला जितिया व्रत भी ऐसा है जिसे भी काफी मुश्किल माना जाता है। जितिया व्रत का दूसरा नाम जीवित पुत्रिका भी है। नाम से ही इस व्रत का उद्देश्य साफ हो जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत को महिलाएं अपने संतानों की लंबी उम्र के लिए करती है। जितिया का त्योहार को खास करके बिहार से सटे कुछ ही क्षेत्रों में मनाए जाने की परंपरा है। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी महिलाएं इस पवित्र व्रत को करती हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हृदय रोग से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने की कही बात। अव्यवस्थित दिनचर्या, तनाव, गलत खानपान, पर्यावरण प्रदूषण और अन्य कारणों के चलते हृदय रोग की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में बिहार में हृदय रोग की समस्याओं से लोगों को निजात दिलवाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत होने वाली है, जिसके तहत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आज प्रदेश भर में जिला अस्पतालों से लेकर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में विश्व हृदय रोग दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान चिकित्सकों द्वारा लोगों की निःशुल्क जाँच और परामर्श दिया जाएगा। ज्ञात हो आज ही के दिन को हर साल विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जदयू ने की राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नाम की घोषणा। जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीते दिन राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है, जिसके तहत नई कमेटी में अध्यक्ष समेत कुल 18 नेताओं के नाम को शामिल किया गया है। केसी त्यागी को पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाया गया, वहीं उपेंद्र कुशवाहा को सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन, सांसद आलोक कुमार सुमन को ट्रेजरर की जिम्मेदारी, सांसद रामनाथ ठाकुर को जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद अली अशरफ फातमी, राम सेवक सिंह, संजय झा, मौलाना गुलाम, रसूल बलियावी, अशफाक अहमद खान, प्रवीण सिंह, कमर आलम, हर्षवर्धन सिंह को जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सांसद आरपी मंडल, विद्यासागर निषाद, रविंद्र प्रसाद सिंह, राज सिंह मान और राजीव रंजन प्रसाद को सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है। तेजस्वी यादव पीएम मोदी को करेंगे पटना आने के लिए मजबूर। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लगातार उठाई जाती रही है, जिसके तहत नीतीश सरकार इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने कई बार पेश कर चुकी है। हालांकि केंद्र की तरफ से इस मुद्दे को लेकर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी गई, जिसके बाद नीतीश सरकार के मंत्री ने इस मुद्दे को कभी नहीं उठाने का ऐलान हाल ही में किया है। फिर क्या था, इस ऐलान को सुनकर विपक्ष की प्रतिक्रिया आना भी लाजमी था और ऐसा हुआ भी, जिसके तहत ही तेजस्वी यादव ने कहा कि 2024 में अगर हमारा गठबंधन बिहार की 40 में से 39 सीट जीतता है तो जो भी प्रधानमंत्री होंगे स्वयं पटना आकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा करेंगे। चुनाव चिन्ह को लेकर चिराग की दिखी छटपटाहट। बिहार लोजपा में इन दिनों फूट का मंजर देखने को मिल रहा है। चाचा भतीजे की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और अब लड़ाई तो वर्चस्व की हो गई है। हालांकि अध्यक्ष पद की कुर्सी पर संशय की स्थिति तो बनी हुई है। अब चिराग ने चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग के सामने गुहार लगाई है, जिसके तहत चिराग पासवान ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर लोजपा के चुनाव चिन्ह बंगला पर अपनी दावेदारी पेश की है। दरअसल जल्द ही तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसे में चिराग दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाले हैं। यही कारण है कि उपचुनाव से पहले चिराग पासवान ने बंगला छाप को लेकर आयोग का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस ने मांगा सीएम नीतीश का इस्तीफा। बिहार की राजनीति में दल बदल की राजनीति तो आम है ही, विपक्ष में बैठे लोगों द्वारा इस्तीफे की मांग भी अब आम बात हो गई है। ऐसे में अब बिहार में फिर से इस्तीफे की गूंज सुनाई दे रही है, जो कि कांग्रेस की तरफ से सुनने में आई है, जिसके तहत कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि बिहार को लेकर केंद्र सरकार का रवैया ठीक नहीं है। जो हालात अभी बने हुए हैं उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। एनडीए गठबंधन में जितने भी दल बिहार में हैं, असलियत में किसी की नीयत ठीक नहीं है। बिहार में जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं और घोटाले भी हो रहे हैं, वैसे में बजाय विकास पर ध्यान देने के जिस तरह से सभी घटक दल आपस में बयानबाजी कर रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जनहित के मुद्दों पर सरकार गंभीर नहीं है। कन्हैया ने किया साफ, अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। के बीच में कन्हैया कुमार ने बीते दिन कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कन्हैया कुमार के साथ जिग्नेश मेवानी ने भी कांग्रेस का दामन थामा है। कन्हैया ने कहा कि कुछ लोग हैं जो इस सोच परंपरा को तोड़ना चाहते हैं। कन्हैया ने कहा कि आप दुश्मन चुनिए, आप विपक्ष चुनिए, दोस्त तो आपके साथ खुद ब खुद बन जाएंगे। आज हमने भी विपक्ष का दामन थाम लिया है। उन्होंने कहा कि हमको लगता है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। देश में प्रधानमंत्री इससे पहले भी होते थे, आज के प्रधानमंत्री को देखिए, लेकिन आज जब हम लोग राहुल गांधी की उपस्थिति में हमने कांग्रेस ज्वाइन किया तो हमने संविधान और भगत सिंह के साहित्य को सिद्ध कर दिया है ताकि हमारा संविधान बच सके। उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में छिड़ी जंग। उपचुनाव को लेकर बिहार में तैयारी शुरू हो गई है। इन सब के बीच महागठबंधन में जंग की शुरुआत हो गई है, क्योंकि दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राज्य जहां एक तरफ दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी मैदान में उतरने के मिजाज में है। इस बाबत राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि राजद दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस ने पिछली बार अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन कांग्रेस को हार मिली थी, इसलिए इस बार राजद इस सीट से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी।
जिससे एनडीए पर भी दबाव बनेगा। कांग्रेस में वो क्षमता नहीं है कि वो कुशेश्वर स्थान सीट को जीत सके। इसको लेकर कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि कुशेश्वर स्थान पर कांग्रेस के अशोक राम उम्मीदवार रहे थे और कम वोट से हारे थे। उनका कहना है कि वो सीट कांग्रेस की थी, इसलिए कांग्रेस का दावा मजबूत है। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। आरती साह ने 1959 में इंग्लिश चैनल को तैरकर आज ही के दिन पार किया था। कोलकाता में बिरला तारामंडल 1962 को आज ही के दिन खुला था। बंगाल की खाड़ी में 1971 को चक्रवातीय तूफान के करीब 10,000 लोगों की जान चली गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी फेडरेशन की ताजा रैंकिंग में विजेंद्र को 2009 में 75 किलोग्राम में 2700 अंकों के साथ पहला स्थान मिला था। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्र का जन्म 1928 में आज ही के दिन हुआ था। अभिनेता निर्माता निर्देशक महमूद अली का जन्म 1932 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी मातंगिनी हजारा का निधन 1942 में आज ही के दिन हुआ था। पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी गोपाल सेन का निधन 1944 में आज ही के दिन हुआ था। से भिड़ेगी राजस्थान और आरसीबी की टीम। आईपीएल के दूसरे फेज के तहत मैच जारी है, जिसके तहत सारी टीम लगातार मैदान पर टिकी हुई है। इसी कड़ी में आज राजस्थान और आरसीबी के बीच मैच का आयोजन होने वाला है, जिसके तहत राजस्थान जीत के साथ वापसी की कोशिश करेगी। वहीं मुंबई के खिलाफ आरसीबी को मिली जीत को विराट सेना फिर से दोहराने की कोशिश करेगी। इसी कड़ी में आज हम पॉइंट टेबल की बात करें तो आरसीबी 10 में से 6 मैच जीतकर तीसरे पायदान पर है, वहीं राजस्थान की टीम 10 में से 4 मैच जीतकर छठे स्थान पर है, जिसके बाद आज किसकी जीत होगी वो देखना दिलचस्प होगा। अब इंस्टाग्राम से डिलीट की गई तस्वीर को आसानी से करें रीस्टोर। आजकल सभी लोग अपने बेस्ट मोमेंट दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करने के लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यूजर से किसी कारणवश साझा की गई पोस्ट डिलीट हो जाती है। ऐसे में यदि आपसे गलती से कोई पोस्ट डिलीट हो जाए तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। डिलीट हुई पोस्ट को रिकवर करने के लिए इंस्टाग्राम ऐप ओपन करें। यहां आपको राइट साइड में कॉर्नर में 3 लाइन की ऑप्शंस नजर आएंगे, उस पर क्लिक करके आपको यहां रिसेंटली डिलीटेड विकल्प भी मिलेगा। यदि यह ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप सर्च बॉक्स में जाकर इसे सर्च कर सकते हैं। यहां आपको वो पोस्ट नजर आ जाएंगे जो डिलीट हो चुके हैं। शादी करने के लिए पुलिस को देना होगा न्योता। अगर आप आने वाले कुछ ही महीने में शादी करने वाले हैं या आपके घर में शहनाई की गूंज बजने वाली है तो आपके लिए ये खबर कुछ खास है, क्योंकि अब शादी करने से पहले आपको सगे संबंधियों को तो कार्ड देना ही होगा, साथ ही पुलिस वालों को भी कार्ड देना होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, कोरोना के वर्तमान माहौल के बीच 27 नवंबर से फिर से शादी विवाह का मुहूर्त आ रहा है। ऐसे में शादी वाले घरों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। ऐसे में विवाह के पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पहले हालात किसी भी हाल में देनी होगी। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह का आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति के बिना नहीं होगा। इस बार भी बैंड बाजा और डीजे के साथ बारात को लेकर सख्ती रहेगी। बिना अनुमति के शादी विवाह भी नहीं हो सकेगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है संजय प्रसाद, कुलवंत सिंह, कृष्णा प्रसाद, नंद किशोर प्रसाद, अर्जुन साह, अंकित कुमार, राम बाबू कुमार, ओमकार सिंह, अरविंद कुमार, अविनाश कुमार, सरोज कुशवाहा, कुमार आशीष, अंकित आनंद, उपेंद्र कुमार, गौतम कुमार, पूजा कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार मौजूदा हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में जदयू और भाजपा साथ में मैदान में उतरेगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।